सारी उम्र मेरिया दस पीढ़ियां दस पुश्त अगर लगिया रहता सी गिदड़बे दे लोगों का आसान नहीं उतर सकते साड़िया मावां ते भैणां। और सच जाणियो रेणवा साहब शीशवा जी मैनू गिदड़बा च हजे तक यह पहचान नहीं हुई कि केड़ा व्यक्ति अकाली है और केड़ा झाड़ू वाला है और केड़ा बीजेपी वाला है। मैं केवल 10-15 लोगों नूं जानदा है गिदड़बे च जिहड़े लोग मैं आइडेंटिफाई करदा है कि यह मैनू वोट नहीं पाते। अदरवाइज मैनू होर गिदड़बा दे सारे लोग मैनू यह लगता है कि मैनू यह वोट पाते हैं जिहड़ा ढिलों की बस चला उन्होंने गड्डी च भी बैठा होंगे मैं ऐ लगता कि यह मेरा सपोर्टर है जो मैं हाथ हूं मैं कदे कदे जो यार चुप कराए भाई जी आ चुप हो जाओ यार प्लीज कदे कदे मैं डोर टू डोर जाना तो कदे कदे मेरे कान च फूक कोई मार दिंदा कि यार भाई थोड़ा जा जप्पी इन उठ के भाई अकाली है मैनू नहीं पता। मैनू इस करके नहीं पता लग्या कदे क्योंकि मैनू गिदड़बा दे लोगों ने प्यार ही इन्ना दिता मैं 15 बंदे नू आइडेंटिफाई कर दिया होर किसी गिदड़बा दे बंदे नू मैनू नहीं पता भी केड़ी पार्टी नू मैनू लगता है सारिया ने मैनू वोट पाई है सारे आने मैनू 12 साल तुसी मैनू जिताया तीजी बारी 12 साल की मेरी कोई शिकायत है तो मैनू तुसी दस दिओ भी राजे वड़िंग ने फलाने की जमीन नपी है फलाने नू पुलिस दे थाने फड़ाता है ते फलाने व्यापारी नू परेशान कीता जिवें इस गिदड़बाज पहला हुंदा सी। राजे वड़िंग ने कदे किसे नू चाहे मैनू किसे ने वोट पाई चाहे नहीं पाई मैं किसे नू तकलीफ नहीं दित्ती कदे सभी च सरदार रजिंदर सिंह जी लाल सिंह जी दे बेटे वह भी इत्थे आए आ साबका एमएलए सो किसे नू रत्ती भर तकलीफ नहीं होण दित्ती कोई ऐसा टैक्स नहीं है कोई यह नहीं कह सकता कि एमएलए राजा वड़िंग ने साडे तो 50,000 रुपए उन्हें ते जाउरे साले ने जाउरी भैन ने घर वाली ने फड़े सी जिहड़े सानू मोड़े नहीं फड़े ही नहीं 1 रुपए का रवानदार नहीं है पर मैं थोड़ा देना नहीं दे सकता। मैं कदे कदे महसूस करदा कि अगर मैं थोड़े चरणा दे थले पई मिट्टी नूं आपके मत्थे ते रोज ला लिया करा तद भी मैं थोड़ा आसान नहीं ला सकता। राजा वड़िंग जिहड़ी 6 साल दा सी मां मर गई बाप चला गया दरिया चढ़ चढ़ के मैं कोई पिता पुरखी नहीं हाँ मैनू मेरे बाप ने विरासत च कुछ नहीं दिता है। मेरा बाप सरपंच ते म्यूनसिपल काउंसलर भी बिट्टू जी तुसी जानदे हो कदे नहीं बनिया मैं दरिया चढ़ चढ़ के इत्थों तक पहुंचे और 42 साल की उम्र च मैं कांग्रेस पार्टी का प्रधान बन गया सी अज तक कोई नहीं बनिया थोड़ी कृपा दी सरकार थोड़ी 6वां इलेक्शन है जिंदगी का मेरा 3 इलेक्शन एमएलए दे आ चौथा मेरी घर वाली लड़ गया 2 मैं एमपी दे लड़ लिया लुधियाने मैनू जाना पिया मैनू हुक्म लाया राहुल गांधी ने क्योंकि एक व्यक्ति जिहड़ा पार्टी छड़ के चला गया सी गदारी करके चला गया सी 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 4ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ और ये गदार पहली अली नहीं पैदा हुए देश के अंदर गदार सीगे इस करके देश 1947 आजाद होया नहीं देश पहला आजाद हो जाना सीगा देश पहला आजाद हो जाना सीगा भगत सिंह नु सूली ते नहीं चढ़ना पैना सी लाला लाजपत राय नु मरना नहीं पैना सी करतार सिंह सराबा 19 साल की उम्र च फांसी के फंदे ते नहीं चढ़ता सी उधम सिंह नु किंगस्टन पैलेस जाके जनरल डायर की छाती च गोलियां नहीं मारनिया पैनिया सी जरा हादसा होया ना जलिया वाले बाग का फिर हादसा नहीं होना सीगा गदार सी साडे बंदे वो अंग्रेज हुकमरान नाल मिले रहे सी ते अंग्रेज हुकमरान साडे बंदियां नूं ताकत दे बल ते ते पैसे दे नाल खरीद लेंदा सी ते इस करके मंगल पांडे वर्गे लोगों शहादत देनी पई इस देश को आजाद करवाने
फिर उस गदार के खिलाफ मैं लड़ भेजा। मैं राहुल गांधी को ना नहीं कर सकिया क्योंकि मेरा लीडर है। सियाने कहते मालिक का हुक्म नौकर की जान। मैंने क्या लड़ गदार के खिलाफ मैं लड़िया कि लुधियाने के लोगों ने मैं जिता था कहते फिर सीट खाली हुई। ये सीट खाली हुई तो फैसला होया मेरे मन च दो चिता हाँ। मेरा मन मेरा दो चिता सी मैं लड़ा हाँ ना लड़ा हाँ लुधियाना हाँ गिदड़वा पंजाब ये किदा संभव कि मैं कम चलूंगा। मेरे मन च दो चिता फिर मैं अगे दो मेरे बेलिया दोस्तों मित्रों नु पूछा मैं दसो की करा दो मेरे मित्र कौन है जेडे सब तो खास मित्र है मेरे। एक मेरा दिमाग सब तो खास मित्र है एक मेरा दिल जेड़ा दिमाग है वह मतलबी है मेरे से फायदा सोचता है। मेरे दिमाग नु मैं पूछा मेरा दिमाग कहना तू चुनाव नहीं लड़ना हूं तू लुधियाने का एमपी है पैसे बहुत लगे हुए हूं तेरे को इन्ने पैसे नहीं है तीजे साल तीजा चुनाव है आप नहीं लड़ना यह वड्डा इलेक्शन है दो साल बाद लड़ा फिर करा यह मेरा दोस्त कहता दिमाग कहना ना ना तेरे दोस्त जेडे तेरी मदद करते से वो भी थके पे है कदे तू गिदड़ बाद 2022 च लड़िया 24 च आ लड़ लिया हुण फिर 5 महीने बाद चुनाव शरीर भी इजाजत नहीं दिंदा 3 बजे जाके 2 बजे सौंदा हुण जाके मंडी च सौंदा क्योंकि लोगों का झोना नहीं चक्कीदा रात को बोरिया से जाके राजा बड़ी की जिंदगी कोई सौखी जिंदगी नहीं है सारी रात मंडी से सौंगा इतों पहले एक दिन पुल से सुता सी सरपंचा ने वास्ते धक्का करता सी सरकार ने ढिलो वालिया ने उन्होंने कागज रद्द करते हूं झोना नहीं चक्कीदा मंडी चो सौंगा माड़ी मोटी सरकार को शायद शर्म आऊगी फिर मेरा दिमाग कहना ना लग फिर मैं दिल को पूछा मैं तू दस क्योंकि बचपन च मां का बाप है नहीं सी कोई दोस्त मित्र नहीं सी फिर दिल के दिमाग ना सलाह करते जो मेरा दिल के दिमाग मेरे दोस्त है मैं उन्होंने पूछना पर अंतिम फैसला मैं आपके दिल के दिमाग ना दे मैं दिल नूं पुछिया दस बई तू दस बिट्टू जी दिल कहिंदा कहिंदा गल सुन ला गिद्दड़ दे लोकां नूं छड्ड के ना जाई इन्हां ने तैनूं राजा साहब बनाया भावें जित भावें हार भावें मर भावें ज्यों भावें पैसे है भावें ना है गिद्दड़ मैनूं छड्ड के नहीं तू जा सकदा भावें तू थक गया भावें तू टुट गया भावें शरीर इजाजत नहीं दिंदा भावें कल्ला है पर तू जा नहीं सकदा तैनूं सरकार दे नाल लड़ना पएगा गिद्दड़ दे तू गण कदे ना सोची फिर मैं दिल की आवाज सुन के फैसला लिया कि नहीं मैं गिद्दड़ दे तो चुनाव मेरी धर्मपत्नी लड़ेगी और लोगों ने भी मैं ये अक्सर ही मैं इस तरह गल्ला करदा कदे कदे मैं पिछे जे आपकी मां नाल भी गल्ला करदा उन्होंने मैं कहना कि अज तेरा मुंडा प्रधानमंत्री के सामने नरेंद्र मोदी के सामने छाती थान के बोल के आया पार्लियामेंट के ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 23 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਘੰਟੇ ਪਰ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਵਾਕ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬੜਿੰਗ 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 ਉਹ ਇਹਨੇ ਚੀਖੋ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਯੋਧਿਆ ਚੋਂ 140 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ
राम जी ने सुनिया भिखिया कि मैनू वेच रहा है बंदा, मैं तो सब दा बंदा है, ये मैनू वेच रहा है, धोखा कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। सो धर्म के नाम से सानू वोटा नहीं पाउणियां चाहीदियां। एक दूजे मैं थोड़ा एक उदाहरण लेनी चाहना, तुम हिंदू हो, तुम आपके बाईपास सर्जरी करवानी हो, दिल का ऑपरेशन करवाना हो, पर जेड़ा मुसलमान है वो सब तो टॉप का डॉक्टर है, दूजे नंबर से सरदार है टॉप का डॉक्टर, तीजे नंबर से हिंदू है टॉप का डॉक्टर, पर हिंदू ने आपके दिल का बाईपास सर्जरी करवानी है, किस डॉक्टर को कराएगा? मैं थोड़ा सवाल पूछना चाहना, क्योंकि मुसलमान वो बेस्ट डॉक्टर है, इस करके मुसलमान तो कराएगा। सानू हर चीज बेस्ट लेनी चाहिए। जात पात अगर देखोगे तो मौत हो सकती है बंदे की, उदो थानू लगता कि मेरी जिंदगी ना खराब हो जाए, मैं चंगे बंदे तो इलाज करावा। सो इसे तरह ही धर्म वखरे वखरे, रब नू मनन दे तरीके वखरे वखरे, रब एक है, धर्म के नाते सानू राजनीति नहीं वोटा पाया चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जेड़ा व्यक्ति चंगा है, बेस्ट है, चंगा वकील करो तो थानू केस चो बरी करा देगा, चंगा डॉक्टर करोगे तो थोड़ा चंगा इलाज करेगा, चंगा पॉलिटिशियन होएगा तो वो थोड़े इलाके की मुहार बदल देगा। मैं आया सी इथे, मनप्रीत बादल भी रहा है 20 साल लगातार इस इलाके तो जितता रहा है, 20 साल खजाना मंत्री, लेकिन जो मैं आया इतने गैस एजेंसी नहीं होंगी सी, पवन जी की एक गैस एजेंसी होंगी सी बेचारे की, सारे शहर में सिलेंडर देने होंगे सी, वो कितों दे डिमांड जावे सी। दो नवीं एजेंसीज लेके आया उदो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार सी, हुण सिलेंडर घरे घरे आ रहा, थोड़े को हर व्यक्ति को पहुंच गया, इन डिलीवरी रेलवे स्टेशन तो कूका मार दिया, गड्डिया लंघ जाएं सी, दिल्ली जे किसी ने जाना है तो थोनू बठिंडे चढ़ना पैंदा सी, मैं गड्डी नूं इत्थे रोकिया, मैं कहा रोक इत्थे, गिदड़बा दे लोगां नूं चढ़ा के लेके जाना पएगा, आ सुराए रहेला ते हजूर साहब जाण वालियां गड्डियां, प्लेटफॉर्म बनाए, पार्क बनाए, धर्मशालावां बनाईयां, वड्डे वड्डे लोग ने धर्मशाला नहीं किसी ने बनाई, सारे लोगों के पैसे नाल बनी धर्मशाला सी, वो छोटी जी धर्मशाला च, हजे तो मैं 3 महीने मंत्री रहा, अगर कदे मैं 3 साल रहिंदा फिर तुसीं देखदे मैं की करदा। आ गलियां जिन्नियां चौड़ियां इधर उधर जो किया, कॉलेज लेके आया गिदड़बा च कॉलेज नहीं सीगा, नवा हॉस्पिटल लेके आया गिदड़बा चो नहीं सीगा, नवीं कचहरियां लेके आया गिदड़बा चो नहीं सीगियां, और सारिया मुकम्मल बना दित्तियां गईयां। आ सारा जिहड़ा अंदरला चौरस्ता है ये किसी मंत्री ने नहीं बनाया, ये थोड़े मुंडे ने बनाया, क्योंकि मैं गिदड़बा नूं प्यार करदा, हजे मेरे को वो चांस नहीं दे रहा। जो आम आदमी पार्टी 3 साल हो गए कदे देखी नहीं है, नशा चरण सीमा पे है, क्राइम चरण सीमा पे है, मैनू एक बंदा मिला गिदड़बे का, कहना मिला 4 बार मोटरसाइकिल से कह गए थे गिदड़बा चो, जीएसटी वाले गली गली फिर रहे, झोना चक्या नहीं जा रहा, शेलर वाले व्यापार अद्धा बंद करने लिए तैयार है, सीवरेज की समस्या है क्योंकि ये सी कैटेगरी सभी कमेटी है, मेरे च पैसे की आमदनी, सरकार मदद करती है, और जो कोई चीज टुटनी है उदो असी काम करना है, हम मोटरसाइकिल अज खराब होगा तो तभी मिस्त्री को लेके जाना है, हूं इन्हों की सरकार पाइप फटती है तो सीवरेज का पानी हजे तक तुरिया फिर, और कारण की है कि पैसे नहीं है, और ऐसे पैसा इमीजिएटली सरकार को देना होगा, नहीं वो नहीं हो सकता। असी 15 करोड़ रुपए लाया म्यूनसिपल कमेटी, तुम नवा बाथरूम बना लो, अगर नवे बाथरूम की जाली 15-5 दिन साफ ना करोगे और वाल फस जाएंगे तो ड्रेनेज बंद हो जाएगी, उसे वाइपर मारना पैदा, ये तो सीवरेज कि गंद गोवा पाई, सरकार पैसा नहीं दे रही, भगवंत मान सरकार का माड़ा हाल है, हूं तो करवा चौथ वाले दिन भी जीएसटी वाले पैसे की वेखो, ब्यूटी पार्लर के जनानियां औरत सारिया भैन की करा के आने, एक गूगल शीट पर रोड है टैक्स लाव, इलेक्शन करके रुकया गया है, 3 रुपए असी सबसिडी दी सी थानू लोगों नू बिजली ते, वो सरकार ने उड़ा दी गई है, टैक्स जेड़ा टैक्स भरदा है ओनू होर टैक्स ला देना पैंदा,
थोड़े धक्का है। असी हर वर्ग को केंद्र में बिजली यूनिट थोड़ी फ्री दी सी, थोड़े ते हुण टैक्स ला दिता गया, वैट वधा दिता पेट्रोल ते डीजल ते, जीएसटी दे छापे दामी घटा दिती गई। फिर व्यापारी कहे भी असी सरकार नूं वोट पावांगे, क्यों? सरकार नूं सब सुणना चाहिए। नशा चार गुणे वध गया, क्राइम चार गुणे वध गया, दिन दिहाड़े गैंगस्टर फोन कर दे कि पैसे फरौती दो। डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद नहीं कर रहे, सब तो बढ़िया देश का प्राइम मिनिस्टर सीगा। आज तो सवा दस साल पहला 17,500 रुपए का तोला गोल्ड मिलता सी। इतने कोई ज्वेलर बैठा, इतने कोई ज्वेलर बैठा गोल्ड स्मिथ, कोई सुनहरा भरा बैठा, 17,500 रुपए का सी महंगी गोल्ड, हुण 88,000 रुपए का गोल्ड हो गया। देश थले जा रहा है, पर नरेंद्र मोदी का भाषण नहीं रुक रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह भाषण नहीं दिता, डॉक्टर मनमोहन सिंह काम करता, 350 का सिलेंडर देंगे तो लोगों, हम 1,150 रुपए का मोदी साहब के राज के दे। देश के अंदर कांग्रेस ने 7 साल राज किया, सुई नहीं बनती सी इस देश के अंदर, जहाज तक बनाया, देश के अंदर महंगाई पे कंट्रोल करके रखिया कांग्रेस पार्टी ने। आज 60% इस देश के अंदर बेरोजगारी है, यानी कि 70,000 करोड़ बंदा बेरोजगार है। अगर मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर ना गए, एक दिन सिविल वॉर लगेगी इस देश के अंदर, वड्डा टुक्की होगी, गरीब भूखा मरेगा, ते वो शव का देखकर ये बनेगा, पुलिस रोक नहीं सकेगी क्योंकि पुलिस इन्नी होगी। थोड़ा बच्चा 4 रोटियां ना खाएगा, 4 सब्जियां ना, गरीब का बच्चा भूखा मरेगा, ता काम खराब हो जाएगा, कतलेआम हो। 82 रुपए डॉलर हो गया अमरीका का, 42 रुपए हुंदा सी। महंगाई ने लोगों का कछू पर करके रख दिता, पर इस मुद्दे से कोई चर्चा करनी त्यारी है। मुद्दा की है, राम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, कब्रिस्तान, शमशान का, इस मुद्दे पे टेलीविजन चर्चा करता है, इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करता कि देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब तो बड़े मुद्दे हैं। नोटबंदी कर दी थी, लोग लाइना च खड़े रहे, नवे नोट, आज लेडीज ने बेचारिया ने चोरी छुपा के रखे से आपके घर वाले तो बच्चों नु देने पैसे, वो भी निकल गए, गाला भी पै गया, लड़ाई भी हो गई, 2000 का नोट बंद भी हो गया। फायदा की हो रहा, कोई फायदा, उन्हें देश का काम कंगाला करता। 40 रुपए डीजल हुंदा सी, 51-52 रुपए पेट्रोल हुंदा सी, आसमान छू गया कीमतां। थोड़े कोले पैसे थानू इस करके महसूस नहीं हुंदा, जिहड़े कोले पैसे नहीं है 1 लीटर पेट्रोल पाउण वास्ते उहनू पता है, तुसीं पैसे वाले लोग, इस करके थानू महंगाई महसूस नहीं हुंदी, पर थोड़े घरों भी पैसे मोदी ने खड़े। कोई पॉलिसी नहीं, प्लानिंग नहीं, केवल ते केवल धर्म के नाम से वंड के लोगों को वोटा लाइया जाने, केवल ते केवल धर्म के नाम से वंड के इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हिंदुस्तान इस करके अमरीका कनेडा नहीं बन सकता क्योंकि इतों के लोग इमोशनल लोग है, प्रोफेशनली नहीं है। अमरीका के कनेडा के गोरे प्रोफेशनली काम करते, वो चंगी गल चंगी कहें, माड़ी माड़ी कहते, अगर उन्होंने पार्टी का जो प्रेजिडेंट गलत काम करेगा तो गोरे खड़े होकर कहेंगे, नो मिस्टर जेंटलमैन, वी आर नॉट एग्री विद यू, असी तेरे नाल सहमत नहीं हाँ, ये तेरा प्रोग्राम पार्लियामेंट च नहीं चलेगा। इतने मोदी को कोई नहीं कह सकता, इतने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री खड़ा होकर कोई एमएलए नहीं कह सकता। वो देश का विकसित देश है, थोड़े बच्चे उसे जाना चाहते, सो यह कहना पड़ेगा, अगर ये कहोगे तो काम चलेगा, नहीं नहीं चलेगा। सो मेरी बेनती है, काफी लम्मा हो गया, तुसी हुण रोटियां खानियां होनी है, साड़ी तो रोटी पता नहीं रात को मिलनी है कि नहीं मिलनी। लीडरी के फायदे बड़े हैं कि लीडरी च लगता लोगों को बड़ी वाह है, अरे दुखांत बड़े है, ए कोई सौखा काम नहीं है, तपस्या है। सुबह 4 बजे उठ के रात के 2 बजे तक ए तपस्या है, एवं लगता कि बड़ी गलबात है साड़ा। हां जो तुम जफ्फिया पाने हो, प्यार करते हो, इस नशे च मैं तुरिया फिरता रहना बस।
आज गांधी साहब ने पटाखे चलाते ढोल ढोल तिल कलाता मेरी भैन ने चांदनी ने इन्हे न तुरया फिर सो मेरी थानू बेनती है अगर ये इलेक्शन आप जीत गए मुख्यमंत्री का है ही है गेट वे खुलेगा और 2027 तो लेके 2032 तक थोड़ा राज रहेगा किधर बातू ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी अगर हिंदुस्तान के लोग किधरवा मंडी देखना आया ना करना तो राजे बड़िंग याद ना करे जो क्यों बनाऊंगा क्योंकि मैं चाहना मेरे बच्चे भी 50 साल किधरवा से राज करन ते उन्हें लोग वोटा पाउन इस करके किधरवा नवा बनाऊंगा नवा होर कोई मंत्री एमएलए नहीं बना सकता महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होया 35 साल की उम्र च बन गया नाम शरद पवार हूं 90 साल का है कदे नहीं हारिया उरा परिवार क्योंकि काम ही इन्हें करते किसी को नौकरी किसी को कुछ भजला का परिवार 60 साल तो सो मैं भी चाहना कि साडा परिवार भी ऐसे काम करे उदों तुसी बुढ़े जे हो जाओगे वाहवा मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा तुसी फिर आदे मुंडे नूं कहोगे पुत्त राजे विड़ेंगे दा साथ ना छड़ी इहदे परिवार ने इन्हें बहुत काम किए बहुत किधरवान वधिया ऐसा मेरा सपना है मालिक पूरा करेगा कि नहीं और किसे नु ए नहीं देखना है अकाली है कांग्रेसी है फलाना है कोई ऐसा नहीं भी वोट पाएगा और अभी कम करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता ड्रामा भी नहीं किसी ना मेरी डराने की आदत है जिस प्रकार डराया जाता है धमकाया जाता है पर मेरी बेनती है जिधर भी आए हो ये ना देखो मैं भाजपा नाल है मैं झाड़ू नाल है मैं अकाली दल नाल है प्रोफेशनली वोट पाओ एक बंदा हुआ है जरा 4 बारी पार्टी छड़ी एक बंदा हुआ है जिन्हें 2 बारी पार्टी एक बारी पार्टी छड़ के नवी चाहे एक मेरी घर वाली वो है एक बारी मौका तो देखो जे राजे वड़िंग तो भी 2 कदम अगे है जे फटे ना चक के तो कह रहे हो जो तुम याद सो ज्यादा समा हो गया हूं बिट्टू गांधी जी ए निकली जाते वीजा ले यार बस कर थकता नहीं मैं घंटा भाषण सारा प्रोग्राम ना जी बच्चा ने मैनेज किया पहली बार मैं कख भी नहीं किया मतलब फिर भी थकिया बुढ़ा हो गया भाई सो थोड़ा सारे मेरी मामा